देने वाला है। इसी आज इसी मुद्दे पर हम आज जी हम बात कर रहे हैं मणिपुर हिंसा की। आज हमारे बीच मौजूद है प्रेम व्यास जी, भाजपा प्रवक्ता है, हीरालाल अलावा मनावर विधायक, अक्षय जैन प्रवक्ता आप, नीलाभ शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस, आप सभी का स्वागत है जी, नमस्ते। आपने देखा कि जो मणिपुर हिंसा की पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी जैसे सरकार की तरफ से अभी तक ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए हैं और हिंसा पिछले 2.5 महीने से बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम हर विषय पर बात करते हैं और हमारे धर्म में हर चीज को बात करना, अब आप लोगों का एक पक्ष हम जानेंगे कि आखिर इस पे कहां कमी आ रही है, कहां हम विफल हो रहे हैं जो हिंसा इतनी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो मैं एक, चूंकि सत्ता पक्ष है और हमारे प्रधानमंत्री हर चीज पे बड़े स्पष्टवादी हैं, लेकिन जो कोर्ट के संज्ञान के बाद कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है उस पे प्रश्न चिन्ह पैदा करती है, क्योंकि मणिपुर हिंसा जो है पिछले 2.5-3 महीने से लगातार हो रही है, उस पर रुकने का अभी तक ऐसा कुछ रुकने का कहीं से कहीं तक आप देखेंगे हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सरकार पूरी तरह से विफल है। सबसे पहले मैं जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे जानना चाहूंगी कि सरकार आखिर कहाँ फेल हो रही है, क्या रीजन है। व्यास जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरे घटनाक्रम है इसकी पूरी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा कर रही है, और पिछले 88 दिनों से जो ये वहां पर उपद्रव चल रहा है उसके लिए प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय सरकार उसमें बहुत प्रयास कर रही है। पिछले 88 दिनों से सतत प्रयास कर रही है। ये हिंसा आज की नहीं है, पूर्व से जो दो विद्रोही संगठन थे उन विद्रोही संगठनों ने 2008 में एक संधि करी थी, उस संधि को इन्होंने तोड़ दिया। तोड़ने के पश्चात जो मैत्री समाज था, मैत्री समाज के आरक्षण के विरोध में ये सबसे पहले इन्होंने मार्च प्रारंभ करा, उसके बाद में ये उपद्रव की शुरुआत हुई और प्रदेश सरकार ने विभिन्न स्तरों पर इसको अपने अपने तरीके से भी उसको प्रयास करा है कि वो रुक जाए और वहां पर शांति बहाल हो रही है, प्रयास निरंतर जारी है। 60-70% वहां पर शांति हो चुकी है, कुछ चीजें जो बची है उसके लिए भी राष्ट्रीय हमारा जो राष्ट्रीय सरकार है वह उसके लिए प्रयास करते हैं। आप ऐसा बोल रहे हैं शांति बहाल हो चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट संज्ञान ले रहा है, कोर्ट का कहना है कि अगर जल्दी नहीं, अगर इस पे जल्दी उपाय नहीं किए गए, सजा नहीं दी गई जो उपद्रवी हैं, तो उस पे कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये शांति तो कहीं से कहीं तक हुई नहीं, क्योंकि जो लोग अभी वहां से पलायन हजारों लोग कर चुके हैं, वापसी तो हुई नहीं, तो शांति कहां से हो गई। देखिए, वहां पर जो इम्फाला करके जगह है वो सेंटर में आती है, 10% हिस्सा है टोटल वहां की, जो पूरा अपन लैंड रिकॉर्ड देखे तो 90% वहां पर पहाड़ी इलाका है। 90% पहाड़ी इलाकों में पहले भी ऐसा होता था कि शांति के जो प्रयास पहले किए जाते थे तो वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, एक बहुत टिपिकल टास्क था। उसी के लिए वहां की सरकार ने योजना बनाई थी कि जो अफीम की खेती हो रही है, जो वहां पर सशस्त्र बल है उनको हटाया जाए, और उसके विरोध में जो मैत्री समाज के जो उन्होंने ST का दर्जा दिया था उन्होंने उसको ढाल बनाकर और पूर्ण रूप से पिछले काफी समय से उन्होंने योजनाएं बनाई थी। अब प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है उसका असर अब दिखने लगा है, और थोड़े समय में निश्चित प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो घटना है निंदनीय है, मैं पुनः बोल रहा हूँ, प्रदेश पूरा देश इस समय मणिपुर के साथ में है, और घटना में जो भी लोग लिप्त है शामिल है वो कोई भी दल के हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। नीलाभ जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो घटना हुई है, जो लगातार हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह से जिस तरह मुद्दे को उठाना चाहिए, सवाल जवाब करने चाहिए, उस तरह से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि छोटी बात नहीं है, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जा रही हैं, सरकार अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा उपाय नहीं किए गए हैं। ये सवाल आप विपक्ष से पूछ रही है, सरकार से पहले मुझे ये बताएं, एक कमजोर नहीं, मैं एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, लेकिन आप विपक्ष क्या कर रहे हैं, वही बता रहा हूँ मैं, आप वही पर आ रहा हूँ। एक कमजोर शासक जब देश का होता है तो आंख मूंद कर बैठ जाता है। पिछले लगभग 2.5 महीने से इस तरह घटना हो रही, मेरे भाजपा के मित्र बाकी भौगोलिक स्थिति बता रहा है, 57% जनता इम्फाल में रहती, बाकी पहाड़ रहती, अरे तो देश दुनिया छोटे बच्चों को ही पता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, 57% जो है पहाड़ों से लड़ने में और जमीन पर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए साहब, लड़ने वाले
पहाड़ों की सीमा सुरक्षित रहती रहने वाला होना चाहिए। सीधी सी बात है, लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे थे। पर्याप्त समय दिया गया मेरी बात को यह दी श्रीमान जी। कुकी समुदाय में, कुकी समुदाय जो लगभग ईसाई समुदाय में आ जाता है, मेथी समुदाय हिंदू समुदाय में आता है, अन्य समुदाय से जुड़ के, ये पिछले ढाई महीने से लगातार इनके बीच हिंसात्मक घटनाएं हो रही है। छोटी मोटी घटनाएं नहीं हो रही, हिंसात्मक घटना हो रही, बड़ी बड़ी हिंसा हो रही है। सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी है, कई महिलाओं साथ बलात्कार हुआ है, हजारों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही, लेकिन देश का शासक मुख दर्शक बनकर बैठा है, विदेश घूम रहा है, चुनावी रैलियां कर रहा है, इवेंट कर रहा है, डबल इंजन की सरकार तमाशा देख रही है। आखिर में जब कोर्ट की तल्ख टिप्पणी होती है तब जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती है, हम हाथ में दुखी है। आप निंदा, अरे निंदा से क्या होता है, निंदा से क्या होता है, निंदा से महिलाओं की इज्जत वापस आ जाएगी, ये सरकार निवर्त करें घुमाया गया, इतना घृणित कार है, दिल दहलाने वाली घटना है। लेकिन रैली की शक्ल में हजारों की भीड़ जो महिलाओं निवर्त घुमा रही है, सामूहिक उनके साथ व्यभिचार हो रहा है, उनके साथ गैंग रेप हो रहा है, देश विदेश में क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसे हम प्रगति कर रहे हैं, हम इसे विकासशील देश की तरफ जा रहे हैं, ये हरकतें नहीं करता, इस तरह की हरकतें हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सुरक्षित, हम सुरक्षित है, और आपके देश की महिला सुरक्षित नहीं है, सब मुंह में दही जमाए बैठे, ये कमजोर शासन की, कमजोर शासक की निशानी है। इसमें निंदा नहीं की जाती, निंदा की जाती कम है इस घटना के लिए, पूर्ण रूप से प्रदेश की सरकार, सरकार धवली जी सरकार जिम्मेदार है। नीलाम जी आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा कि कुकी जो समुदाय है वो पता नहीं कौन से उससे आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आदिवासी समुदाय से आता है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है हीरालाल अलावा जी, जो आदिवासी समुदाय से है, लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में आप अगर देखा जाए तो वहाँ जो कुकी समुदाय जो आदिवासी समुदाय से आता है, और इसी बात को लेकर कि जो वो उनके जो पहाड़ी एरिया है, जो मैतेई जो समुदाय है, वो चाहता है कि उनकी जमीनें खरीदे, बहुत सारे नियम संशोधन हो, शायद बात इसीलिए जो विवाद इतना बड़ा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक तो मैं साधना न्यूज के माध्यम से मध्य प्रदेश और देश जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मणिपुर का जो घटना है, मणिपुर में जो जाति है, जो हिंसा जो हो रही है, पिछले 3 मई से ये घटना की शुरुआत हुई है और आज लगभग 2.5 माह हो गया है, और 2.5 महीने होने के बाद में केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी सरकार आज उस घटना, उस हिंसा आज दिनांक तक नियंत्रण नहीं कर पाई, और 2 दिन पहले जो वीडियो के माध्यम से जो देश की जनता के सामने वीडियो आया, और जिसमें कि दो आदिवासी महिला को, आदिवासी महिलाओं को जिस प्रकार निर्वस्त करके सार्वजनिक उनके साथ गैंगरेप किया गया, ये कहीं ना कहीं देश लोकतंत्र को तार तार कर रहा है, हर देश को तार तार कर रहा है, और केंद्र की मोदी सरकार बीजेपी सरकार के लिए शर्मसार करने वाला शर्मनाक चेहरा हमारे देश नेतृत्व में पूरे विश्व को दिखाया गया है। आज अगर सरकारें अगर हिंसा नहीं कर रही है, हमारे हमारी एक चीज है कि दो समुदाय है वहां पर, कहते हैं जो कुकी समुदाय है 33% वोटर है, जो मैत्री समुदाय है 55% वोटर है। ऐसे में जो वोट की राजनीति है, हिंसा को बढ़ने दिया जा रहा है, हिंसा शायद वोट की राजनीति की एक बलि चढ़ रही है, वहां की हिंसा जो कुछ परसेंट जो नागा समुदाय है उस वो भी कुकी समुदाय का जो समर्थन करता है, ऐसे में जो दोनों जो एक आपने आपने कहा कि जो गुट है, एक्चुअली वहां गुट नहीं है, गुट गुट किसको क्या है, हिंसा गुटों में नहीं हो रही, पूरा समुदाय जो जो समुदाय है, समुदाय की हिंसा बन चुकी है, लोग कलम छोड़ करके हथियार उठा रहे हैं, ये देश के लिए एक बड़ा एक सोचने का विषय है कि आज जब हमारे हाथ में, जिस बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए वो हथियार उठा रहा है, तो ऐसे में हमारा एक राजनीति जो हमारे नेताओं का फर्ज बनता है कि देश का युवा किस दिशा में जा रहा है उस पे आए, तो ऐसे में अक्षय जैन जी आप प्रवक्ता है, आप तो आपके क्या ओपिनियन है? मैडम 78 डेज बाद प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोले, अब इन 78 डेज में क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री ने 2 विदेशी दौरे किए, कर्नाटका का चुनाव प्रचार किया, मध्य प्रदेश में आए चुनाव प्रचार किया, अनेक वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया, 2000 के नोट बंद किए, नई संसद का उद्घाटन किया, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट का दौरा किया और यूसीसी पे बात की, और अभी लेटेस्ट में एनडीए की बैठक भी की।
पर 78 डेज में क्या क्या नहीं हुआ। मणिपुर के सिविल सोसाइटी संगठन ने पीएम को बोला कि आप रिएक्ट करिए, पीएम ने कुछ नहीं बोला। दो विधायक मंडल दिल्ली गए पीएम से मिलने पर पीएम नहीं मिले, और तर्क ये उछाला गया कि पीएम सब बोलेंगे वो करके भी तो दिखा सकते हैं, पर वीडियो आने के बाद चुप रहने का कोई विकल्प नहीं बचा, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा। ये प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था कि पूर्व की सरकारों ने पूर्वोत्तर को अलग थलग कर दिया है और हम पूर्वोत्तर को लेकर बहुत सीरियस हैं। 25 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि जो लोग राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकते उन्हें राज्य में शासन करने का अधिकार नहीं है। 2017 का ट्वीट है उनका। पर आपने संसद की बैठक भी ठप कर दी, आपने संसद में विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया। इससे केंद्र सरकार के इंटेंशंस पता लगते हैं। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, वो गार्जियन हो, सीएनएन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ब्लूमबर्ग हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, सबने प्रधानमंत्री की चुप्पी और प्रधानमंत्री का 78 डेज बाद बोलने का बयान ये कवर किया है। हम लोग सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और मणिपुर को अब समय आ गया है कि मणिपुर में शांति स्थापित करनी पड़ेगी। एक चीज है, जब बंगाल पे हिंसा होती है तो बीजेपी के सारे नेता चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ममता के राज में ये क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें आती हैं, हर किसी की बयानबाजी आती है, लेकिन किसी भी बीजेपी नेता की बयानबाजी नहीं आई है मणिपुर हिंसा की। मैं ब्याज जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या रीजन है, क्या मना किया गया है कि बोलना नहीं है? नहीं देखिए, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, बात करने में विश्वास नहीं रखते। पिछले 88 दिनों से अगर प्रयास जारी है तो उसी का परिणाम है कि खुलेआम जो हथियार लेके संगठन रोडों पर आ गए हैं, आम लोगों को मार रहे हैं। वे लोग आज कहीं ना कहीं, वो संक्षेप में है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2008 में जो समझौता हुआ था वो इसी साल हम तो समझौता तोड़ने के पश्चात ये हिंसा क्यों हुई? तीसरा, राहुल गांधी जी को जब मना कर दिया गया था कि चुराचंदपुर में, वहां के संगठनों ने मना कर दिया था, वहां की महिलाओं ने रैली निकाली थी, तब भी वे जिद कर रोड मार्ग से वहां जाने के लिए पहुंचे, और बीच सड़क से जब उनका विरोध हुआ तो वापस लौटना पड़ा। क्या वहां पर भी ये राजनीति करना आवश्यक थी? जब उनको पहले ही संगठनों ने आगाह कर दिया था, उनके विरोध में लोग खड़े हो गए थे, तब क्या हुआ था? तीसरा, हम लोग पिछले 88 दिनों से कार्य कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नग्न होकर वहां के आदिवासी समुदाय नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने किसी तरह का कोई वहां पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं पुनः आपको दोहराता हूं, हम पिछले 88 दिन से सतत लगे हैं। दूसरा, जैसा अक्षय जैन जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं, प्रधानमंत्री जी के अंडर में जितने डिपार्टमेंट है वे वहां पर कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश हित में भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कह देना कि एक देश का मुखिया सिर्फ एक ही काम करेगा या सिर्फ एक ही जगह बैठेगा उचित नहीं। दूसरा, मैंने आपको पुनः कहा कि हम सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं रखते, करने में विश्वास रखते, और कुछ ही दिनों में शांति जब बहाल होगी तो आपके सामने सब चीजें आएगी। एक चीज मैं चाहूंगी, लाभ जी, जब यूपी में एक रेप कांड हुआ था वहां पर प्रियंका जी गई थी, इतना रोकने के बाद भी प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी। क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, पूरे देश को वाकई शर्मसार करती है, ऐसे में प्रियंका जी रैलियां तो कर रही है, वहां नहीं गई, ना कोई बयान, क्या रीजन है? देखिए, राहुल जी वहां पर पहुंचे, मणिपुर के प्रभावित क्षेत्र में राहुल जी वहां पर पहुंचे, किसी संगठन ने नहीं रोका, बल्कि उन राहत शिविरों में पहुंचे, उन पीड़ित परिवारों से मिले। एक संगठन ने रोका, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने नहीं रोका। आप प्लेन से चले जाइए, प्लेन से जो एक सभी के लिए व्यवस्था थी, प्लेन की सभी ने इसका समर्थन किया, और राहुल गांधी पीठ सब सफाई के इससे मौके पर, ये लीडर है देश के, ये साहसिक लीडर है, ये प्लेन से जाइए पर वे नहीं गए, चुपचाप बैठ जाए, उसे लीडर नहीं, कैसे कमजोर शासक कहा जाता श्रीमान? आप कह रहे हम सबके संगठन ने, भाई साहब, उनको लिखित में दिया था, वहाँ की महिलाओं ने प्रोटेस्ट करा था, वहाँ के विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट करा, जब विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट करा तो आधे रास्ते से वापस आए। प्रयास तो थे मनमोहन सिंह जी के, प्रयास तो थे मनमोहन सिंह जी के, 2005 में छोटी मोटी घटना हुई थी मनमोहन सिंह, ये तो पूछना है, देश यही पूछ रहा है की 2008 में हुआ समझौता अभी क्यों टूट गया, देश आपसे यही पूछ रहा है। घटना अपनी जगह है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उस पर कार्य कर रहे हैं, पर 2008 में जो समझौता मनमोहन सिंह सरकार ने करा था वो आज क्यों निरस्त हुआ? आप तो पर्याप्त समझ लिया क्या बोलना श्रीमान, आप वैसे समझ नहीं रहे बोले जा रहे हैं। अलावा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कहते हैं जंगल, जो कहते हैं जो आदिवासी समाज है
जंगल उनके हैं और इतिहास गवाह है कि आदिवासी समाज जंगलों का संरक्षण करता आया है और यही है शायद कि जो जंगल की भूमि होती आदिवासियों की है और ऐसा नियम है। क्योंकि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है मैतेई और जो कुकी समाज के बीच हो रही है आदिवासी भूमि को लेकर हो रही है, तो इसका क्या निर्णय आएगा भविष्य में, क्योंकि कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा, ये यूं ही पूरा स्टेट जलता रहेगा। तो आपके क्या विचार है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि एक मैतेई समाज का कहना है कि जो आदिवासी समाज है कुकी समाज है पूरे हर जगह जमीन खरीद सकता है लेकिन हम उनके जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उपेक्षित पाता है। जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जल जंगल और जमीन ये आदिवासियों के मैं बताना चाह रहा हूँ आज जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है ये सिर्फ जमीन का ही मुद्दा नहीं है, आज आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। आज सिर्फ मणिपुर में हिंसा नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्र की मोदी सरकार में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के माथे पे मुंह रखा जा रहा है, आज आदिवासियों के ऊपर बर्बरतापूर्ण अत्याचार हो रहे हैं। देखिए ये आदिवासियों को संविधान में जो अधिकार दिए हैं शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने आज आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। अब सवाल है कि समुदाय और मैथिली समुदाय में कौन आदिवासी होगा, आदिवासी होगा नहीं होगा ये केंद्र सरकार तय करेगी, ये महामहिम राष्ट्रपति तय करेगी, लेकिन जो हिंसा की जड़ है हिंसा जो हुई है उसको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी की थी। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि ढाई माह बीतने के बाद भी आज 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सवाल ये नहीं कि मारे जा चुके हैं, इस देश का नागरिक मर रहा है, आज बेटियों के साथ बर्बरता बरती जा रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है सड़क पे, ये हमारे लिए एक शर्मनाक इस लोकतंत्र का चेहरा दुनिया में दिखाई जा रहा है, इसको नियंत्रण जल्द करना चाहिए, कहीं ना कहीं मोदी सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आज मणिपुर अगर हिंसा से चल रहा है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तुरंत सेना को एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया इस वीडियो का, पर यह बात सत्य है कि ये ऐसी एक घटना नहीं है, आज हजारों की संख्या में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है लेकिन सरकार तमाशा देख रही है। पर यह बात भी सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है, विदेशी दौरों में व्यस्त है, पिछले ढाई महीने से मणिपुर की हिंसा रोकने के लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सख्त कदम उठाया होता तो आज ये स्थिति परिस्थिति नहीं बनती है। चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, आप तो आदिवासी समुदाय से हैं महामहिम की, आप एक्शन लीजिए, आदिवासियों को बचाइए, अधिकार दीजिए, वरना ये जल जंगल जमीन के रखवाले ये प्रकृति पूजक आदिवासी आज इस देश में ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया जा रहा है, ये इसी का परिणाम है कि घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है और आज देश में आदिवासियों के जल जंगल जमीन से उनको छीना जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। चाहता हूँ सरकार राज्य सरकार एक्शन ले और आदिवासियों के साथ न्याय करे। हमेशा से जब भी चुनाव आते हैं कभी किसानों को लेकर मुद्दा होता है, कभी आदिवासियों को लेकर मुद्दा होता है, हमेशा चुनाव के समय ही आदिवासी और जो किसान है याद आते हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये जो मणिपुर की हिंसा है कितना परसेंट इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी का मुद्दा बहुत चल रहा है, जैसे कि अलावा जी ने कहा, सबने देखा कि आदिवासी का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ है। ऐसे में जो मणिपुर का जो हिंसा है, ये स्टेट जो चुनाव है विधानसभा में कितना इफेक्ट करेंगे, मैं अक्षय जी आपसे जानना चाहती हूँ। मैम यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम आदिवासी समाज और दलित समाज को वोट बैंक और चुनाव के लिए ही याद कर रहे हैं, हमने इतने सालों में ये इंश्योर ही नहीं किया कि हम इन समाज के लिए ऐसे कदम उठाए कि ये भी देश की प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करे। अभी भी मध्य प्रदेश में इतनी घटनाएं हो रही है, आप गूगल करिए आपको ढेरों घटनाएं मिल जाएंगी जो आदिवासी और दलित समाज पे हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल बाद भी ये हालत है हमारे दलित और आदिवासी भाइयों और उनके परिवारों। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आपको पता है सर 5500 हथियार पुलिस से लूटे गए हैं भीड़ द्वारा, उसमें से सिर्फ 1500 हथियार वापिस है, मतलब 3000 से ज्यादा हथियार अभी भी इन उग्रवादियों के पास है। तो आपकी पुलिस और आपके सुनिए पूरी बात सुनिए ये जो 3000 हथियार, पूरी बात सुनिए सर, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, पूरी बात सुनिए आप, ये जो हथियार अभी भी उग्रवादियों के पास है पुलिस से लूटे हुए,
इनको रिकवर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या किया उसका जवाब दीजिए। और ये कितनी दयनीय बात है कि छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ तो मणिपुर में भी हो गया। सर बीरेन सिंह जी अभी तक 20 जुलाई तक क्या कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि 4 मई को 5 मई को यह घटना हुई है। उन्हें प्रधानमंत्री के बयान देने के बाद याद आया कि यह घटना हुई है। और आप डिसाइड नहीं करेंगे कि राहुल गांधी या विपक्ष के दूसरे नेता कहां जाएंगे अगर आप देश की बात नहीं कर पाएंगे तो सब एक हो। और आप कांग्रेस आप देश की बिल्कुल सर मुद्दा हो, हम भले ही दूसरे मुद्दे हो, जब आप मुद्दे को नहीं देखेंगे, जब आप जन विरोधी बीच में मत बोलिए। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जब FIR में लिखा है कि भीड़ ने पुलिस से पीड़ित महिलाओं को छुड़ाया तो उसी दिन FIR क्यों नहीं हुई? पुलिस ने खुद FIR क्यों नहीं करी? भीड़ पुलिस से छुड़ा ले गई। सुनिए पूरी बात सुनिए। भीड़ पुलिस से छुड़ा ले गई तो घटना के बाद पुलिस ने रीइंफोर्समेंट बुलाई क्या? बुलाई तो क्यों नहीं आई? और नहीं बुलाई तो क्यों नहीं बुलाई? 18 मई को 0 FIR दर्ज हुई और पक्की FIR 21 जून को दर्ज हुई। इतना गैप क्यों हुआ? अभी मुआवजे का ऐलान किया है सरकार ने, इतनी देर क्यों लगी पीड़िताओं को मुआवजा देने में? और ये वीडियो अभी 2 महीने और नहीं आता तो क्या आप 2 महीने और मुआवजा नहीं देते? सच बात तो यह है कि आप मणिपुर को संभालने में विफल रहे हैं। केंद्र सरकार के सीनियर लीडर्स ने ध्यान नहीं दिया, वो विदेशी दौरों से लेके कर्नाटक मध्य प्रदेश के चुनाव के प्रचार में बिजी रहे। आप ट्रेनों को हरी झंडी देने में बिजी रहे। विपक्ष लगातार पूछता रहा कि मणिपुर पर जवाब दीजिए, मणिपुर पर जवाब दीजिए, पर आपने ध्यान नहीं दिया। ये वीडियो आया, अब आप छुपाने लायक नहीं रहे कोई, तो आप सबको सामने आके अब डिफेंड करना पड़ रहा है। राजनीति छोड़िए और मणिपुर को बचाइए, ये हम सबका आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में आपकी सरकार है। केंद्र ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं और वहां की राज्य सरकार सतत कार्य कर रही है। पिछले 88 दिनों से धरातल पे कार्य है। जब कार्य संपूर्ण होगा उसका पूरा विवरण आपको दिया जाएगा। दूसरा जो मेरा प्रश्न था कि जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी ने, कुकी नेशनल आर्मी ने 2008 में जो संधि करी थी वो क्यों कैंसिल करी इसी साल? दूसरा, वहां पर जो लैंड रिवोल्यूशन एक्ट भारतीय जनता पार्टी अगर ला रही थी लैंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, तो सबके लिए था, क्यों उनको भड़काया गया? तीसरा, अगर वहां के लोग, मैं बताता हूं, अगर मैत्री समाज के आम आदमी है तो उनके पास हथियार कहां से आए? ये पूर्व लूटे हथियार, पुलिस से हथियार लूटे, लूटने के पूर्व में, लूटने के पूर्व, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गृह मंत्रालय का बयान है, 5500 हथियार लूटे हैं। आप रिपोर्ट चेक करें पुरानी, हथियारों के बल पे हथियार लूटे हैं। और अगर पुलिस वहां पर बर्बरता करती तो हजारों लोग मर जाते हैं। शांति के साथ में शांति स्थापना की तैयारी कर रही, ताकि ना तो आदिवासी समाज को वहां पर कोई दिक्कत हो और ना ही वहां के आम नागरिकों को दिक्कत हो। एक मध्यस्थता के तहत वहां सरकार शांति प्रस्ताव के तहत कार्य कर रही है और अतिशीघ्र इसमें लाभ मिलेगा, आपको तुरंत देखने को मिलेगा। मैडम एक सवाल है, पूछ लूं मैं? हाँ जी पूछिए। सर मैंने आपसे इतनी बातें FIR से रिलेटेड करी, 0 FIR कब दर्ज हुई, पक्की FIR दर्ज कब हुई, पुलिस ने रीइंफोर्समेंट बुलाया, पुलिस ने रीइंफोर्समेंट नहीं बुलाया, बीरेन सिंह जी को पता था कि नहीं ये घटना हुई है कि नहीं हुई है, उन्होंने 20 जुलाई के बाद क्यों इस घटना का जिक्र किया, आप किसी चीज का जवाब नहीं देंगे? पहले के दौर पर मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा क्या आपने उसके जवाब दिए? मैंने पूछा जिमी रिवोल्यूशन आर्मी ने क्यों 2008 के बाद में अभी समझौता तोड़ा, आप एक गजब ट्रेंड हो गया है, सारा जवाब विपक्ष देगा, ये गजब ट्रेंड है, सारा जवाब विपक्ष देगा, फाइलें लेके जाएंगे, आप झुंझुना बजाइए, मंत्री चोर, उनके यहाँ 25 ऐसी लगे हैं वो चोर, लेकिन जो आपकी फाइलें वो कभी ओपन नहीं होती है, ये आपका ट्रेंड है, आज नहीं पूरा देश देख रहा है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर की बात करें, मणिपुर में शीला दीक्षित जी का मणिपुर से क्या लेना देना है? आप मुझे बताओ थोबल जिले में कब 18 मई को 0 FIR दर्ज हुई है? 24 घंटे के अंदर पुलिस ने, नहीं 21 जून को पक्की FIR दर्ज हुई है। नहीं 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 नहीं, अभी मणिपुर की क्यों बात करें, इस घटना पे अपने मध्य प्रदेश की बात करें कि अभी जो पेशाब कांड हुआ था वो भी पुराना वीडियो बताया जा रहा था, तो उसमें भी FIR और ये सब सारी चीजें, इसमें भी अभी दर्ज हुई, उसका मकान तोड़ दिया, उस पे विभिन्न धाराओं के अंतर उसको जेल भेज दिया। दूसरा फिर मैं पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो क्या उस पे अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? छत्तीसगढ़ पे जो नग्न प्रदर्शन हुआ, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंटों ने नग्न प्रदर्शन कराया। कहीं कुछ गलत होगा तो क्या दूसरी जगह के गलत को भी हम उससे डिफेंड करेंगे कि वहां गलत हुआ था तो यहाँ भी सही है? नहीं, मैं हो गया तो आप जिस तरीके से, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने वो कार्य करा है कि आप बीरेन सिंह जी को फाइल लेके घूमते हैं, उन फाइलों में सत्यता कहीं नहीं होती।
वो बाद में छत्तीसगढ़ की बात है जी, छत्तीसगढ़ की बात को बात करके आप हम मणिपुर की जो घटना है उस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है मणिपुर की जो घटना है वाकई प्रदेश में अगर कोई घटना होती है सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं, सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं मध्य प्रदेश शासन। अलावा जी क्योंकि वाकई एक समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्राकृतिक जो संरक्षक हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो एक वाकई पूरा जो क्षेत्र है ये यूंगा की आग में बैठा है। ऐसे में पूरे गांव के गांव एक दूसरे पे जो हमले कर रहे हैं, जो अपनी अपनी छावनी तक बना ली है, अपने अपने क्षेत्र बना लिए हैं, तो उसको लेकर वाकई जो मध्य प्रदेश का आदिवासी जो समुदाय है कहीं ना कहीं जब पूरे देश में पता चलता है तो एक पीड़ा होती है, और सरकारों की तरफ से एक निर्णय जो ना ले पाना, हम हर चीज हम सरकार की तरफ से देखते हैं, क्योंकि हम अगर अपना नेता चुनते हैं तो स्वाभाविक है कि हम हर चीज अपन नेता की तरफ देखेंगे। तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे कि वाकई निर्णय जो नहीं लिए जा रहे हैं तो कितना प्रभावित हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी समाज है, उसका क्या रोष है? ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मणिपुर की घटना ने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों को आक्रोशित किया है, और सिर्फ आदिवासी ही समाज का लोग नहीं, इसमें हर वर्ग के लोग को आक्रोशित किया है, क्योंकि जितनी बर्बरता पूर्ण तरीके से ये वीडियो में जो घटना सामने आई है, आज जो देश की बेटी है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बेटी बचाओ, क्या ये बेटी बचाओ है? और दुख इस बात का है कि पिछले 2.5 महीने से सरकार सख्त एक्शन क्यों नहीं ले पा रही, क्यों इस देश की सर्वोच्च न्यायालय को कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी केंद्र सरकार के ऊपर, और अभी भी वक्त है कि आप एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर ये हालात अगर मणिपुर से शुरू हुए और अगर समय रहते वक्त रहते अगर नहीं एक्शन लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे देश में ये आक्रोश आदिवासी समुदाय के बीच समाज के बीच फैले और हर राज्य में ये इस तरह की घटनाएं होने से बचे। तो अभी कम से कम ये वक्त है, अभी आज देश को पता चल गया है इस वीडियो के माध्यम से, जबकि ये बात सत्य है कि पूरे इंटेलिजेंस के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को, अमित शाह जी को और मणिपुर सरकार को पता थी कि घटनाएं हो रही और इस तरह बर्बरता बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद भी अगर एक्शन लेने में सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भारी विफलता है, और देश के आदिवासियों को जो मोदी सरकार को जो सुरक्षा देनी चाहिए थी, सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भी बात है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में भी अपराधियों के हौसले आदिवासी समाज के ऊपर इस प्रकार बढ़ गए हैं कि उनके मुंह पे मुता जा रहा है, उनके माथे में मुता जा रहा है। और आज ही एक वीडियो आया आंध्र प्रदेश में भी एक आदिवासी समुदाय के युवक के ऊपर मुता जा रहा है। तो ये घटनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर विषय, एक शर्मनाक विषय है, पर अगर इस पे अगर समय रहते एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं बहुत ही इस देश के लिए और मणिपुर जैसे राज्यों के लिए कहीं ना कहीं ये दर्द भरा समय है, कि इसलिए चाहते हैं कि कम से कम, और सबसे दुखद बात इस बात का है कि आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी आदिवासी समाज से हैं। आप अगर जब सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है स्वतः संज्ञान लेके, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी आदिवासी मामलों के संरक्षक, संवैधानिक संरक्षक होने के नाते उनकी भी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप रिपोर्ट मांगिए और तुरंत एक्शन लीजिए। अगर आप राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं संभाल पा रहे मणिपुर हिंसा रोकने में, तो ये मणिपुर को सेना के हवाले कर दीजिए, सेना हमारी देश की सेना इसको संभालेगी। मैं चाहता हूँ कि मोदी सरकार विफल हो गई है आदिवासियों को सुरक्षा देने में, मणिपुर सरकार विफल हो गई है, ऐसे में अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार नई आदिवासियों को सुरक्षा दे पा रही है तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूँ कि आप एक्शन लीजिए और सेना को उतारिए वहां पे, ताकि हमारे आदिवासियों को बचाया जा सके, क्योंकि अगर ये समय रहते एक्शन नहीं लिया तो पूरे देश में बहुत ही भयानक माहौल हो जाएगा, हमारे देश में जो असंतोष पैदा हो जाएगा उसको रोक पाना मुश्किल होगा। धन्यवाद अलावा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई राष्ट्रपति के पास अपने स्वयं के अधिकार होते हैं, अगर ऐसी कोई चीजों में सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, स्थितियां बिगड़ रही हैं, तो उनके पास अपने पास होता है संरक्षित अधिकार है कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर करके वो अपना निर्णय ले। बहुत आप आज की वाकई चर्चा अच्छी रही, सबने अपने अपने मुद्दे रखे हैं, और जाहिर सी बात है जब देश में ऐसी कोई बातें होती है तो हमें अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि हम समाज से जुड़े लोग हैं और सामाजिक लोग हैं। तो ऐसे में आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अच्छे विचार रखे, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, और इसी के साथ हम फिर आगे के कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सावधानी।